हमरा कहीं के लिए आज लगभग 60 दिन आज 60 दिन से आंदोलन भर रहा है। हमें कहीं के लिए तो लोग के हमरा एक चीज पूछा रहा है कि आंदोलन में इतना भीड़ भाई जाओ, लाखों लोग सड़क में आ जाओ, कोई नेता ना हो तो उनके सपोर्ट में, तो इतना भीड़ है वो नेता के अलावा बताओ। हमरा हमेशा मीडिया में टीवी वाला गिला है, हमेशा पूछते हैं न्यूज वाला गिला कि नेता के अलावा, तो सुने चाहे कि आंदोलन के नेता के अलावा बताओ की कहानी जाना चाह आप लोग सुनना पसंद करेंगे आंदोलन का नेता कौन है। आंदोलन का नेता हमारी माता है, बाने काकी बेटी सब महिलाएं आंदोलन का नेता है। तो अब ये भी पूछिए, यह तो पूछा कि इतना इतना पुरुष थे, भाई सब है, काका सब रहते, कोई काकी जेठी बहन के लगे नेता कहे गाली, हटो पूछा कि महिला सब के नेता कहे गाली, हटो पूछल जाए बताए भाई कि भाई महिला सब के नेता कहे गाली। तो ये वो हमने के समाज एगो कल्चर है, जखन छोटो की बार व्यवहार है तखन बेटा छुआ यानी लड़का बेटा छुआ भले ओकरा हमनी हरवा कर दे गाली ना आना गो बुझा पड़ा है ना कि बेटा छुआ यानी लड़का अगर जन्म ले नवरा हरवा हरवा माने हार जोते भले और बेटी छुआ भले की कर रहे रोपनी। बेटा छुआ भले कहिए हरवाहा और बेटी छुआ भले की कहिए रोपनी। तो हरवाहा के तो सिस्टम खत्म भई गेले, क्या कि खेत में ट्रैक्टर ढुकी गया है, खेत में तो ट्रैक्टर घुस गया है, इसका मतलब हरवाहा का सिस्टम खत्म हो गया, यानी लड़का लोग भाई लोग का जेठा लोग का काका लोग का सिस्टम खत्म हो गया है कि खेत में ट्रैक्टर घुस गया है, लेकिन रोपनी तो जिंदा है, रोपनी तो ट्रैक्टर से नहीं रोपा है। यह खातिर कहिए कि तोहनी नेता लगा, हरवाहा खत्म रोपनी जिंदा है। अबरी बुझला कि नेता हमें बार बार कहे कहे कि हमारे माई गिला हमारे काकी गिला हमारे जेठी गिला हमारे भौजी गिला हमारे बहन गिला लगे, यह कहते कि ट्रैक्टर खेत डुकी गेलो हरवाहा के सिस्टम खत्म रोपनी आज भी जिंदा हो, सह खातिर नेता तोहनी लगा। तो ये आंदोलन के धरती लगे, शहीद के धरती लगे, तो शहीद के बाणी से ही प्रारंभ कर भाई निर्मल दा के बाणी से कि सवाल बनकर फिर उठूंगा जो पन पड़े सो जवाब रखना, सवाल बनकर फिर उठूंगा जो पन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए मेरे खून का हिसाब रखना। तो निर्मल ने की कहा लला कि समय समय में हम आते रहो, हमें मर नहीं गलियो, हमार शरीर खत्म भलो, हमार विचार हमार आवाज हमार सपना तोहनी के साथ आज भी जिंदा हो, उठा तोहनी के पूरा करना हो। सटा निर्मल लाई कहे की गया लो कि सवाल बन के फिर एबो, कोनो दिन जरूर एबो, आज निर्मल दा के सपना करे के मौका फिर आयल हो, अब उठा के तोहनी के तय करना हो। आग भले कोलांचल में लागल होल लेकिन अब कोल्हान के तय करना हो कि निर्मल दा के सपना के कहां लेके जाना हो, बैसा मुंडा सिद्धू कानू विनोद बाबू के सपना के कहां लेके जाना हो। आज अब सवाल है तो कि अगर आंदोलन नहीं करवाए, अगर आज नहीं लड़वाए तो की नुकसान है हमारी कि भाई आंदोलन नहीं करवाए लड़ाई टीके नहीं लड़वाए तो आज की नुकसान है पारी है, तो माने है ना कि अगर आज चल भाई नहीं लड़वाए कहे लड़ा की जरूरत है, अगर नहीं लड़वा तो नुकसान की है, तो आज वो कागज अभी अभी मिल रहा बता रहे। 1937 के का खतियान है, बहुत पुराना, लेकिन कंपनी वाला अगर जमीन जबरदस्ती छीन रहा लो, यानी हमने यार तोहनी नियारे कोई महिला ना गई, 1937 के है का निकाल है, 1937 का ये खतियान है, 1937 का, और कंपनी जबरदस्ती इनका जमीन ले रही है, कंपनी जबरदस्ती इनका जमीन लेने का काम कर रही है, ये 1937 का खतियान है, हथियार में 1937 की तारीख लिखी हुई है और कंपनी जबरदस्ती इस जमीन को लेने का काम कर रही है। तो आज ये समस्या इस इनके साथ आया है, कल तो ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा, तो कल ये समस्या तो आपके साथ भी हो सकता है। ये समस्या आज जिस परिवार के साथ है जिसकी जमीन आज सरकारी कंपनी के माध्यम से उसमें पुलिस प्रशासन के सहयोग से थमका कर लिया जा रहा है,
कल आपका भी बारी आ सकता है, आएगा कि नहीं। इस मैटर को समझने के लिए वो कहानी सुना रहे हैं, थोड़ा देर सुनिएगा। एक वो छोटा सा कहानी सुना रहे हैं। एक वो किसान था, एक किसान था, उस किसान ने तीन को जानवर पाला था, एक वो कबूतर, एक वो बढ़िया भेड़ा और एक वो बहुत सुंदर बकरा। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन कबूतर टोंग, कबूतर का टोंग समझ रहे हैं ना, जहां कबूतर अपना अंडा देता है, छोटा छोटा कबूतर अपना, तो टोंग में वो सांप आ जाता है, तो कबूतर डर लगता है उसको। कबूतर जाके पाठा से कहता है कि ये दोस्त मेरे भाई, हम लोग तीनों किसान के भाई जैसे हैं, किसान ने हमें पाला है, तो ऐसा करो तुम मेरी मदद करो और इस सांप को यहाँ से बाहर करो, ताकि हम कबूतर हैं, हम इससे सामना नहीं करेंगे। तुम एक बकरा है, तुम्हारा सींग है, तुम इसको हटाओ। उस बकरे ने कहा कि समस्या तुम्हारा है, सामना तुम करो। कबूतर निराश उदास कि भाई बकरे ने साथ नहीं दिया। अब वो गया मोटी मोटी सींग वाले भेड़ के पास, उससे भी वही बात को दोहराया कि मेरे भाई हम तीनों किसान के साथी हैं, किसान के दोस्त हैं, मेरे यहाँ एक सांप घुस आया है, मेरी सहायता करो। भेड़ ने भी वही उत्तर दिया कि समस्या तुम्हारी है, तुम हल निकालो, हम सहायता नहीं करेंगे। कबूतर ने देखा कि कोई सहायता नहीं कर रहा है, बेचारा कबूतर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर उड़ गया दूसरी जगह। उसी रात को किसान की पत्नी को सांप डस लेता है, किसान की पत्नी को सांप डस लेता है। अब जब डस लिया तो बीमारी का इलाज हुआ, तो मेहमान देखने आए, जब पहली बार मेहमान देखने आए तो पाठा को काटा गया, कबूतर उड़ चुका था। पहली बार जब देखने आए तो पाठा को काटा गया, उससे ज्यादा मेहमान आया तो भेड़ा को काटा गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वे दोनों कबूतर का साथ देते तो तीनों जिंदा होते। तो ठीक उसी प्रकार आज अगर हम लोग इस परिवार का साथ देंगे, आज अगर हम लोग लड़ेंगे, आज इनके साथ ये समस्या आई है, कल हमारे साथ भी आएगी। कबूतर तो बेचारा उड़ के चला गया, लेकिन भेड़ा और बकरा दोनों कट गया। तो इसलिए लड़ाई कहीं से आती है, आग अगर गांव में एक घर में लगता है तो पूरा गांव को पानी देना चाहिए, नहीं तो वह आग की लपट धीरे धीरे आपके घर तक भी आएगी। तो आज यही लड़ाई भले वो कोल्हांचल से आई है, आज कोल्हान लेकर इसीलिए आए हैं कि लड़ाई को तय कीजिए, भाषा केवल एक बहाना है। हम हर बार कहे हैं, जब भी हमको मीडिया के सामने कहना हो, सभा में कहना हो, मैंने एक ही बात कहा है कि भाषा तो एक बहाना है, बात खतियान की होगी, बात खतियान की होगी, क्योंकि यही खतियान हम झारखंडियों की पहचान है, यही खतियान। अच्छा एक बात बताइए, सभी राज्य अलग अलग राज्य है ना भाई, उस राज्य की पहचान होगी, बंगाल की कोई पहचान होगी, बिहार की कोई पहचान होगी, महाराष्ट्र की कोई पहचान है, तो झारखंड की भी पहचान होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। तो एक बात बताइए, क्या झारखंड की पहचान हमारी और आपकी पहचान वोटर आईडी है कि नहीं ना? अरे परदेशिया का भी दूधों को वोटर आईडी है, यहाँ भी है वहाँ भी है। आधार कार्ड भी उन लोगों के पास दूधों का है, राशन कार्ड तो जितना सदस्य है परिवार में जितने लोग उतना राशन कार्ड, तो एक ही पहचान, बाप दादा के खतियान। इससे कुछ मंजूर नहीं होगा। और सरकार को भाषा तो हटाइए ही हटाइए, भाषा झारखंड में क्षेत्रीय 9 ही होंगी, जो TRI की रिपोर्ट है केवल 9, ना एक कम ना एक ज्यादा, उसी के आधार पर भाषा, उसके बाद खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, ये खतियान के आधार पर होगी। आज जो कंपनी वाला लोग हम लोग का जमीन में नजर गड़ा के बैठा है, दो चार को विधायक लोग को 4-5 रुपया खिला के जो छीनने आता है, तो क्या जमीन सब ऐसे है? अरे हमारा जो पुरखा है, पूर्वज, खून भी बहाए हैं और पसीना भी बहाए हैं। खून बहाए तो सभी जानते हैं निर्मलदा सामने है, खून बहा है ये तो सभी जानते हैं निर्मलदा सामने है, लेकिन पसीना बहा है, एगो थोड़ा सा कहावत कहते हैं, ये कहावत तो गिरिडीह बोकारो धनबाद हजारीबाग में बोला जाता है, पता नहीं सरायकेला के लोग समझेंगे कि नहीं, हम समझाना चाहेंगे। एगो कहावत है ना, बचपन में कभी आप लोग को जब घर में कुछ काम नहीं करते थे और खाना खाते थे, सिर्फ एगो गाली दिया जाता था कि कारा करी गायला है कि सुने हैं,
हम लोग का धनबाद बोकारो में लोग बोलते थे, हमारा नानी गाली देती थी कि कमैना काढ़ा करे गए रहे की, ये बात सुने काढ़ा कि काढ़ा करे गए रहे की काढ़ा। तो हम थोड़ा समझाते हैं काढ़ा का मतलब, जब है नानी से पूछे हैं कि आप समझाइए तो कि काढ़ा का मतलब क्या होता है, बार बार गाली में देते हैं कि काढ़ा करे गए रहे की, काढ़ा करने गया था क्या? तो नानी ने नहीं, उनके ससुर जी ने समझाया कि हमारे पुरखे 100 साल 200 साल पहले अपने घर के सभी सदस्यों के साथ उस जमीन में जाते थे जिस जमीन में कंकर पत्थर हो, जो जमीन ऊबड़ खाबड़ हो, उसे कोड़ कोड़ कर, कोड़ना समझते हैं, कोड़ कोड़ कर उसे जोतने के जैसा बनाते थे, उसको हम लोग काढ़ा करते थे, उसे हमें काढ़ा करते हैं। तो ऐसे जमीन सब है। तो कहावत है ना कि जहां जहां तक पानी के शौक वहां तक हमरा के जोत, यानी हमर पुरखा में ज्योति यला है, हमारे पुरखों ने जोता है, कोड़ा है, तब आज ये जमीन है। और आज अगर ये लोग आंख से आंख गड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें हम उसी की भाषा में उत्तर देना चाहेंगे। हमारे राज्य के एक बहुत महान नेता थे जिन्होंने स्पष्ट कहा था, संसद में कहा था, जयपाल सिंह मुंडा, बहुत ही महान विद्वान, झारखंड निर्माण में उनकी भी आधारशिला उन्होंने रखी थी। उन्होंने एक लाइन कहा था संसद में कि अध्यक्ष महोदय, जिसे आप विकास कहते हैं वो हमारे लिए कब्रगाह साबित होगी। आज क्या है विकास का माने, क्या डैम बना देना, डैम बने विकास, लेकिन हम लोग के लिए क्या है, वो तो कब्र है। हमारे जमीन छीने गए, हमारे विस्थापन हुआ, आज कहीं भी टाटा रहे, सिंदरी का धनबाद रहे, या बोकारो का प्लांट रहे, जिसकी जमीन गई है वे लोग कहाँ हैं? वे लोग विस्थापन हो रहे हैं, वे लोग पलायन हो रहे हैं, और मजा बाहरी लोग जो लोग यहाँ अतिक्रमण करके रह रहे हैं। तो यही लड़ाई है, आज अगर हम लोग नहीं लड़ते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमारा लड़ाई को नहीं लड़ पाई। आज आप कहीं जाइए, किसी क्षेत्र में जाइए, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो अपने लोग हैं, वो एक गुलाम की तरह है। सभी किसी जगह जाइए, हमारे लोग मजदूर बन के हैं और बाहर के लोग यहाँ बाबू बन के आते हैं। तो जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो किसी मंत्री ने एक लाइन कहा था कि अलग हुआ झारखंड अब खाना शकरकंद। बिहार के किसी मंत्री ने कहा था कि अलग हुआ झारखंड अब खाइए शकरकंद। तो उन लोग बहुत होशियार था, उन लोग बोला कि शकरकंद कहे खाएंगे, झारखंड में कोयला अभराग तो झारखंड में छूट गया। तो उन लोग आज तक ऐसा नीति बनाया, ऐसा नियम बनाया कि आज भी झारखंडी की पहचान नहीं हो पाई है कि झारखंडी कौन है। जो तंबू गाड़ते 2 दिन पहले वो भी झारखंडी, और जो 100 साल से वो भी झारखंडी। तो ये तो अन्याय है, ये तो सीधा सीधी अन्याय है। कोई अगर जमीन छीन ले वो भी झारखंडी। और वही हुआ ना, जो लोग यहाँ कंपनी में काम करने आते थे, टाटा पीसीसीएल उनको क्वार्टर दिया था, उसका मतलब क्या था, नौकरी किए तब जाइए ना भाई, जहाँ अपना घर है उन लोग फिर कब्जा जमा के बैठ गया, तो उन लोग को झारखंडी कैसे गिनेंगे भाई, कैसे गिनेंगे झारखंडी। झारखंड ऐसे नहीं बना है कि कोई यहाँ आए चारा का समझे और झारखंड उसका हो जाए। सभी राज्य की अपनी अपनी पहचान है, सब राज्यों की अपनी पहचान है। आप बंगाल जाइए वहाँ आपको बंगला आना होगा, आप गुजरात जाइए वहाँ आपको गुजराती आना होगा, आप महाराष्ट्र जाइए वहाँ आपको मराठी आना होगा, लेकिन झारखंड सबका, मतलब झारखंड का कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ये तो अन्याय है, ये तो सीधा सीधी अन्याय है भाई। तो इसी अन्याय के खिलाफ हमारी और आपकी ये लड़ाई होने जा रही है, और आज लड़ना होगा, आज लड़ना होगा। ये आंदोलन की धरती है, ये बिरसा की धरती है, सिद्धू कानू रघुनाथ महतो तिलका मांझी शहीद निर्मल मुक्तो की धरती है, आपको लड़ना होगा। आप क्या सोचते हैं कि आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए कोई मसीहा आएगा क्या? कोई मसीहा आने वाला नहीं है, मसीहा केवल किताबों में होते हैं। आपको लड़ना होगा, क्रांतिकारी हर भीड़ में से बनना होगा, आपको बनना होगा। आज बेशक हम धनबाद से चल के आए हैं 200 किलोमीटर, क्या हम रोज रोज आ पाएंगे? नहीं ना। तो आपको बनना होगा, इस लड़ाई को आपको लड़ना होगा, हमें मिलकर लड़ना होगा। कोई मसीहा आने वाला नहीं है। और आप सोचते हैं ना कि हम तो विधायक चुने हैं, मंत्री चुने हैं, संसद चुने हैं, क्या वे लोग लड़ाई में साथ देंगे? नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे बताना चाहेंगे। आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं, कोई एमए कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, हम भी पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, हम भी पीएचडी कर रहे हैं। कल मेरा क्या भविष्य होगा पीएचडी करने के बाद, जबकि हायर एजुकेशन है।
पीएचडी करने के बाद मेरा कल क्या भविष्य होगा हमको नहीं मालूम है। इतना पढ़े हैं, इतना जानते हैं, लेकिन हमको कल का भविष्य मालूम नहीं है। और जो विधायक जी है ना, उनके घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ है और तय हो गया है कि बेटा जन्म वाले डिनोबने में लिखा है वो, बेटी जले चिन्मया में लिखा है वो नाम। माँ की खोक में अभी बेटा का शादी नहीं हुआ है मंत्री जी का, और तय कर लिया है कि बेटा होगा तो टाटा में डालेंगे, बेटी होगी तो यहाँ खिलाएंगे और नतनी होगी तो यहाँ खिलाएंगे। वो आपका लड़ाई को लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। वे लोग आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ेंगे। वे लगातार गलत काम करके अरबपति हो चुके हैं, खरबपति हो चुके हैं, वे आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लड़ाई खाली पेट लड़ी जाती है, एक बात याद रखिएगा। घर में भी आपका जो बेटी रहे चाहे बेटा रहे, तबे झगड़ा करता है, बर्तन पटकता है जब उसको खाना नहीं मिलता है। पेट भरा आदमी आंदोलन नहीं करता है, एक बात याद रखिएगा। पेट भरा आदमी आंदोलन नहीं करता है, क्रांति नहीं करता है। ये विधायक मंत्री करोड़पति है, इनका आने वाला 10 पीढ़ी बैठ के खाना खाएगा। इनको आपके आंदोलन से कोई सरोकार नहीं है, यह आंदोलन आपका है। केजीएफ का मूवी देखे हैं? केजीएफ, केजीएफ में गड़ूरा था, गड़ूरा सोना बेच बेच के, चोरी का, स्मगलिंग का, गड़ूरा सोना बेच बेच के खरबपति हो गया था। हम लोग का जितना नेता विधायक मंत्री है, इन लोग गड़ूरा है, थोड़ा सा फर्क है। वो सोना बेचता था, इन लोग कोयला, माटी, बालू, जंगल का लकड़ी बेचता है, थोड़ा सा फर्क है। यही बात है ना, वो गड़ूरा सोना बेचता था, इन लोग कोयला, बालू, माटी, पत्थर, पहाड़, जंगल बेचता है, इन लोग गड़ूरा है। तो गड़ूरा तो सही आदमी नहीं था, गड़ूरा तो सही आदमी नहीं था भाई, तो गड़ूरा का साम्राज्य खत्म होना चाहिए था तब ना। यही तो फिल्म देखने के बाद तो मन में यही है कि गड़ूरा खत्म होना चाहिए, तो ये लोग भी तो खत्म होना चाहिए ना, खत्म होना चाहिए ना। तो भाई रॉकी कौन बनेगा? तो रॉकी बनना होगा ना, ये बनेगा भाई, ऐसे गड़ूरा खत्म होगा। रॉकी मतलब क्रांतिकारी, रॉकी माने क्रांतिकारी। हमारी माए भी क्रांतिकारी, बहने भी क्रांतिकारी, भाई भी क्रांतिकारी, तब इनके साम्राज्य को खत्म कर सकते हैं। और हम तो हमेशा कहे हैं कि मरने से कहे डर, कहे डरना, मरने से कहे डरना। इस सूरज को देख रहे हैं आप, सूरज तो देख रहे ना, ये कितना बड़ा है मालूम है? हम लोग का दिमाग में नहीं अटेगा। 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर है सूरज, तो इतना इसका एरिया है, 6 ट्रिलियन। इनमें लाख करोड़ की बात नहीं कर रहे, ट्रिलियन, उतना बड़ा सूरज है। एक दिन ही सूरज तो मर जाएगा, एक दिन ये सूरज तो भी मर जाएगा। ये धरती जिसमें हम लोग, कितना बड़ा है, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये धरती एक दिन मर जाएगी। ये हिमालय का पहाड़ 5,95,000 वर्ग किलोमीटर, ये पहाड़ भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये प्रशांत महासागर 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर, ये भी एक दिन सूख जाएगा। मतलब अरे हर कोई एक दिन मरेगा, तो मरने से कितना आप क्यों डर रहे हैं मरने से? ये नदी, नाला, पर्वत, पहाड़, चांद, सूरज सब मिटेगा, सब मरेगा, हम कौन है? लेकिन हाँ, जब तक जिएंगे हक अधिकार के साथ जिएंगे, गुलाम होके नहीं जिएंगे। नहीं डरना है मरने से, क्यों डरेंगे? किसी के बाप का जमीन नहीं है, मेरे पुरखों ने बना दिया है, मेरे पुरखों की जमीन है। कंपनी आती है, आए, हम कब मना किए हैं? आइए ना, आप विकास की बात करते हैं ना कि कंपनी आएगी विकास करेंगे, आइए विकास कीजिए, लेकिन पहला योगदान उसका होगा जिसकी जमीन जाएगी। आप कंपनी को सीधा चताइए, कंपनी की आंख में आंख डालकर मौत से टम्मत करिए, कंपनी की आंख में आंख डाल के कहिए जमीन मेरी गई है, अब नौकर बनने के लिए नौकरी नहीं करेंगे, जितना जमीन गया है उतना परसेंटेज में हिस्सा लेंगे, नौकर हम पैदा करेंगे। जितना जमीन गया है, डिसमिल में गया है तो डिसमिल में लेंगे, एकड़ में गया है तो एकड़ में लेंगे, जमीन का हिस्सा लेंगे, नौकरी हम बांटेंगे, जमीन मेरा बाप का है, तुम्हारे बाप का नहीं। और कंपनी वाला रहे
चाहे बड़का प्रशासन रहे, एसपी रहे, डीसी रहे, मंत्री रहे, वो भी उसी हार मान से बना है जिससे हम बने हैं। बस हमारे अंदर ये डर बैठा है, डर डर डर। इसी डर को मिटाने के लिए कोलांचल से कोल्हान आए हैं, इसी डर को मिटाने के लिए। अगर बेमान सरकारें, बेमान कंपनियां यदि बंदूक लेकर आएंगे तो याद रखिएगा ये बिरसा निर्मल की धरती है, सामना तीर धनुक से करेंगे। अब अन्याय नहीं, अब अन्याय का अन्याय नहीं सहेंगे। हमारे पुरखों ने अन्याय सह लिया है, जितना सहने का था सह लिया है, अब अन्याय नहीं सहेंगे। अन्याय का पलटवार करेंगे, जो बात जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में बात करेंगे। और साथ ही हम संदेश देना चाहेंगे कि हम दो हमारे दो, अब इस सिस्टम को भी बदला जाए। अब तीन होना चाहिए, तमाम भाई बहन सबसे निवेदन करेंगे। तीसरा तीसरा, अगर बेटा बनता है तो बिरसा निर्मल बनाओ, और बेटी बनती है तो फूलो जानो रानी शिरोमणि बनाओ। एक को बनाओ, एक को बेटा बेटी को मास्टर नहीं बनाओ, डॉक्टर नहीं बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जे बनाना है बनाओ, लेकिन एक को क्रांतिकारी बनाओ, एक को निर्मल बिरसा बनाओ। देखो जे जमीन माचल हो ऑटो एग्री वो जमीन भी लोग लुटने का काम करेंगे। एक को बनाओ, ये समय की मांग है, ये समय की मांग है। एक को तिलका बनाओ, एक को रघुनाथ बनाओ, ये समय की मांग है। कहे कि मास्टर नहीं, बेटी तो पढ़ी लिखी होगी, वो बेमांटो से नहीं लड़ पाएगी, वो बेमांटो से नहीं लड़ पाएगी। उस बेमांटो से लड़ने के लिए एक को चाहे उसको 20 पिलाना पड़े अभी से 20 पिलाइए, उसको तीता खिलाइए, लेकिन एक को क्रांतिकारी बनाइए। यही मेरा संदेश होगा। आने वाला दिन और भीषण युद्ध होने की आशंका है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं। ये लोग कहते थे ना कि भैया हम लोग तो जल जमीन जंगल की सरकार है, हम लोग तो झारखंड के हित में काम करेंगे, लेकिन इन लोग हित में नहीं, इन लोग तो कॉमेडी में पैसा खर्चा कर रहा है। अब बोलेगा कैसे, एक क्रिकेट का मैच खेला था मंत्री और विधायक लोग, मैच पकड़ने का ढंग नहीं है, मैच समझ रहे हैं ना, बच्चा लोग खेलता है, मैच पकड़ने का ढंग नहीं है। ये लोग क्रिकेट का मैच खेला था, 70 लाख रुपया खर्चा किया था, 70 लाख रुपया। यहाँ जनता भूखी प्यासी है, हक मांग रही है, अधिकार मांग रही है, और ये बेमान नेता मंत्री 70 लाख में क्रिकेट खेल रहे हैं। बुढ़वान पकल मोहन चूल पकड़, सदा सदा चूल वाले क्रिकेट खेल रहे 70 लाख में। यही नहीं, अबरी नया फरमान आया है, अबरी और एक पेपर में देखिएगा कि 67 करोड़ रुपया खर्चा होगा मंत्री लोग का घर बनाने में। अरे बाप, मंत्री सबके घर नहीं है क्या? कितना बेशरम, कितना निर्लज, कितना बेहया सरकार, और इन लोग का बेमान मंत्री। यहाँ मेरा गरीब स्टूडेंट, पढ़ा लिखा स्टूडेंट रोज आंदोलन कर रहा है कि अरे भाई को 10,000 का भी नौकरी दे दो ना, पढ़ लिख लिए हैं, सुझाई नहीं दे रहा है। इन लोग 6-6 करोड़ में घर बनाएगा, लगता है इन लोग बेघर है, इतना बेमानी चल रहा है। कुछ दिन पहले सुने 50-50 लाख में लोग स्कॉर्पियो गिफ्ट दिया कि फॉर्चूनर दिया है, हाय रे भगवान, गाड़ी है ना लिखने की। तो इसीलिए लड़ाई आने वाला दिन और भीषण होगा। आपके लिए लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई मसीहा नहीं आएगा, आपको आपकी लड़ाई खुद लड़नी होगी, और इनके भरोसे कभी नहीं। इन सरकारों से अच्छी तो अंग्रेज की सरकार थी, अंग्रेज बूझा है ना, अंग्रेज इससे अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने 1908 में सीएनटी कानून बनाया था। अंग्रेजों ने 1908 में छोटा नागपुर में सीएनटी कानून बनाया था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। उस कानून का मतलब था कि आपकी जमीन अगर कोई लेगा ना तो आपके ही कुम का आदमी ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता है। इससे अच्छा तो अंग्रेज लोग थे। हम इनकी तुलना 21 सालों में जितनी सरकार बनी, जितने मंत्री बने, किसी एक को नहीं सबको, इनकी तुलना हम हिटलर से करते हैं। हिटलर का नाम सुना है ना आपने? हिटलर
हिटलर ने 60 लाख, एक दो और हजार नहीं, 60 लाख यहूदी लोगों को जान से मार दिया था। 60 लाख हिटलर ने जर्मनी में 60 लाख यहूदी लोगों को गैस, जहरीली गैस देकर 60 लाख लोगों को जान से मार दिया था। ये लोग हिटलर के जैसे हैं, लेकिन ये लोग हमारे शरीर को नहीं मारेंगे। हमारे जो ये शरीर है, इस शरीर को नहीं मारेंगे, ये लोग हमारी अंतरात्मा को मारेंगे। हमें अपाहिज करेंगे, हमें विकलांग करेंगे। कैसे? अंतरात्मा का मतलब क्या? भाषा और संस्कृति। ये हमारी भाषा और संस्कृति, रोजगार को खत्म करेंगे, ये हमें अंदर से मारेंगे। ये शरीर को नहीं मारेंगे हमारे, ये हमारी पहचान को मारने का काम कर रहे हैं। ये हिटलर से भी बुरे लोग हैं। इनका सामना अगर 60 लाख नहीं, 6000 यहूदी लोग करते हैं, तो दुनिया में दूसरा हिटलर पैदा नहीं होता। इसलिए आने वाला दिन कोई हुक्मरा तानाशाना बने, हमें शहादत के लिए तैयार रहना होगा, हमें शहादत के लिए तैयार रहना होगा। बहुत मेहनत के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, गिफ्ट में तो झारखंड नहीं ना मिला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो भाई भाई थे, हम तुमको अपना राज दिए, तो भाई भाई किसको कहा जाता है? थोड़ा आपको बता देंगे कि भाई भाई किसको कहा जाता है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग राज बन जाते हैं, वो भाई भाई की लड़ाई थी। एक भाई ने मांगा, दूसरे भाई ने दे दिया। 1966 हरियाणा और पंजाब आपस में अलग अलग हो जाते हैं, एक भाई ने मांगा, दूसरे भाई ने स्वीकार कर लिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भाई भाई कह सकते हैं, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भाई भाई कह सकते हैं कि एक राज्य ने मांगा कि हमको अलग राज दो, दे दिया। हम भाई भाई कैसे कहेंगे? 88 साल लगा है, 88 साल क्या भाई भाई की बात करते हैं। ये भाई भाई नहीं, गुलाम और मालिक की लड़ाई थी। ये भाई भाई की लड़ाई नहीं थी, गलत फहमी में मत रहो झारखंडी। 88 साल बाद झारखंड मिला है। 1912 में पहली बार मांग हुई थी, हमें अलग झारखंड चाहिए, मिला 2000 में, 88 साल बाद। भाई भाई में इतना लेट से ऐसा होता है? नहीं ना। अरे एक बार पंचायती हुआ निरन महीना में, नहीं तो अगहन महीना में हुआ, नहीं तो घुर के निरन में हुआ, भाई भाई का बंटवारा वहीं हो जाता है। ये भाई भाई की लड़ाई नहीं थी, एक शोषक और शोषितों की लड़ाई थी। 88 साल बाद झारखंड मिला है। और एक बात, जो लोग कहते हैं कि हम लोग बांटने का काम करते हैं, गलत बात है। हम अपनी माटी में खुद को मिटने से बचा रहे हैं, क्योंकि सभी राज्य की अपनी अपनी परिभाषा है। हम किसी को भगा नहीं रहे, किसी को हटा नहीं रहे, मेरी माटी में हम खुद का अधिकार मांग रहे हैं। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। इस लड़ाई में पता है तकलीफ किसको हो रही है? इस लड़ाई में जो लोग कहते हैं ना कि नहीं किसी को तकलीफ हो रही है, तकलीफ उसको हो रही है जो अपना भी खाता है और पड़ोसी का छीन के भी खाता है। जो अपना अपना खाता है उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। अब बोलिएगा कैसे? हमको बिहार से, बिहार से एक हाईकोर्ट के जज ने फोन किया कि आप लोग की लड़ाई बिल्कुल सही है, आप लोग की लड़ाई बिल्कुल सही है। हम बोले सर ऐसा क्यों? नरे बाबू तुम लोग झारखंडी लोग ये तो मानेंगे कि हम लोग का पुरखा लोग जंगल बान पर्वत में रहा है, तो जब तुम लोग जंगल बान पर्वत में रहता था, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, तो ये लोग और तुम्हारे लोग आपस में मुकाबला करेंगे? नहीं करेंगे। इनकी भाषा तुम्हारी भाषा नहीं चल पाएगी, ये लोग तेज हैं, इस बात को मानना होगा। आज आप कहीं जाइए, IAS IPS कहाँ के हैं? बिहार मूल के। कंपनी के मैनेजर कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। तो है भैया हम स्वीकार करते हैं, आपके साथ हमारा टक्कर नहीं होगा। हम लोग बाबू तभी बनेंगे जब मेरी भाषा में बात होगी, मेरी भाषा में पढ़ाई होगी। जब मेरी भाषा को प्रोत्साहन किया जाएगा, और लगातार साजिश के तहत, बहुत योजना के तहत हमारी पहचान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हम कोल्हान में है, पटमदा कोल्हाने में आता है ना। एगो उदाहरण देंगे पटमदा कॉलेज का। सबसे पहले आपको हम बताते हैं, विनोद बिहारी महतो विद्यालय धनबाद में बना, ठीक है? आपको मालूम होगा वहां के जो स्टूडेंट है, कुड़माली पढ़ने वाले,
हमको लगता है यहाँ की भी भाषा कुड़माली है, क्योंकि हम देखे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था। तो कुड़माली पढ़ने वाले स्टूडेंट लगभग 20 किलोमीटर पैदल चले, 20 किलोमीटर पैदल चल के 5 नहीं 10 हजार स्टूडेंट आए यूनिवर्सिटी और बोला कि सर विनोद बाबू के नाम पर विश्वविद्यालय है, तो विनोद बाबू की माँ की भाषा कुड़माली है, पढ़ाइए, संथाली है पढ़ाइए, खोखा है पढ़ाइए। लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई, आज तक सुनवाई नहीं हुई, आज तक वे लोग तरस रहे हैं। लेकिन आपको पता है पटमदा कॉलेज में मात्र 8 स्टूडेंट है मैथिली पढ़ने वाला, पटमदा कॉलेज में मात्र 8 स्टूडेंट है मैथिली पढ़ने वाला। कई गो 8 को गिन के 8 को कितना खर्चा हुआ है पता है? 4,37,00,000। आरटीआई की रिपोर्ट है, बगल में पटमदा कॉलेज जाके पता कीजिएगा, 4,37,00,000 रुपया खर्च 8 को स्टूडेंट पे हुआ है। अभी कौन है स्टूडेंट? तो और ना है भैया बहरिया मैथली, 8 को मात्र 8 को गिन के 8 को पढ़ने वाले हैं, उनको 4,45,00,000 खर्चा करती है और आपकी भाषा में पढ़ने वाले लाखों स्टूडेंट है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसका भी रीजन है, आप लोग 9वां क्लास पढ़े, 9वां या 10वां में इतिहास में फ्रांस और वियतनाम का कहानी होगा, फ्रांस और वियतनाम का कहानी होगा, थोड़ा याद कीजिएगा, क्योंकि विनोद बाबू भी बोले थे पढ़ो और लड़ो, जब तक पढ़िएगा नहीं लड़ नहीं पाइएगा। तो उस कहानी में क्या है कि वियतनाम में फ्रांस का दबदबा था, भले वो वियतनाम देश था लेकिन फ्रांस के लोगों का दबदबा था, जैसे झारखंड में बिहार यूपी बंगाल का दबदबा है, तो वियतनाम में फ्रांस का दबदबा था। फ्रांस के लोग वियतनाम के स्टूडेंट को जानबूझकर फेल करते थे, ताकि न लोग पढ़ेगा न नौकरी मांगेगा। तो वही हाल हमारा है, हमारी भाषा में अब तक पढ़ाई नहीं हो रही है। और एक बात हम संदेश यही देना चाहेंगे, आप लोग की जो भी मातृभाषा है, हमको लगता है आप लोग भी थोड़ा थोड़ा भूलने लगे हैं। हमको रिपोर्ट मिला कि आप लोग की जो मातृभाषा है, माँ की भाषा, जैसे कहीं मुंडारी है, कहीं संथाली है, कहीं कुड़माली है, तो यहाँ कुड़माली है, वो आप भूलने लगे हैं। देखिए बंगला आप जानते हैं अच्छी बात है, उड़िया भी जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन माँ की भाषा को मत भूलिएगा, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। कैसे से को कहानी बताते हैं, फिल्म का ही कहानी का फिल्म बहुत देखते हैं, खासकर माँ का की जेठी सब खूबे देखो, उन लोग बहुत ज्यादा देखती है। बाहुबली फिल्म देखे हैं? बाहुबली देखे है ना? बाहुबली में जब पहली बार देवसेना और जो हीरो लागलो बाहुबली ओखनी के भेंट यानी मुलाकात, तो देखिएगा एगो शब्द के जिक्र भेवा है पिंडारी। बाहुबली फिल्म में तो हाथ खड़ा कीजिएगा भाई लोग याद है तो, बाहुबली फिल्म में जब देवसेना और बाहुबली की पहली भेंट होती है, ओखनी पहली बार भेटा हो, तो एगो शब्द वो पिंडारियों ने हमला कर दिया, पिंडारी। पिंडारी फिल्म में नहीं रियल में हुआ करता था, आज से 200 साल पहले पिंडारी सच में इस दुनिया में होते थे, भारत में ही थे पिंडारी, आज पिंडारी कहीं नहीं है, आज पिंडारी के लोग कहीं नहीं है। तो भैया पिंडारी आज क्यों नहीं है? भाषा खत्म, संस्कृति खत्म, आज पिंडारी खत्म। तो इसलिए आपसे निवेदन कहेंगे, आप जिस भाषा को बोलते हैं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने का प्रयास अपनी माँ की भाषा में कीजिए, कानूनी मान्यता अपनी माँ की भाषा को दीजिए। और इसके लिए हम कहना चाहेंगे, आपको यदि सीखना है ना, तो आप लोग मुसलमान भाई लोग से सीखिएगा, उन लोग इंडिया का किसी कोना में रहे, हर कोना में उर्दू बोला नहीं जाता है, उर्दू सीखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बोला नहीं जाता है, लेकिन जब भी जनगणना आती है हर एक मुसलमान भाई उर्दू लिखने का काम करता है, भले उर्दू जाने समझे या ना समझे, वो गुजरात में रहे चाहे असम में, यदि वो मुसलमान है तो उर्दू लिखेगा। क्यों? क्योंकि जानता है कि मेरी पहचान अगर बचाना है एक अपनी भाषा लेकर चलनी होगी, क्योंकि वो भाषा 8वीं अनुसूची में आएगी, और जो 8वीं अनुसूची में आती है उसको प्रधानमंत्री नहीं हटा सकता है, तो इसलिए आप लोग मुसलमान भाइयों से बहनों से सीखिए, उस समाज से सीखिए, आप किसी भाषा में बात करें, किसी भाषा को जाने समझे, जब लिखने की बात आए अपनी माँ की भाषा को जनगणना में लिखने का काम कीजिए। ये संदेश रहेगा मेरा,
मुंडारी बोलते हैं तो मुंडारी लिखिए, संथाली बोलते हैं तो संथाली, और गुड़माली बोलते हैं तो गुड़माली लिखिए, लेकिन अपनी माँ की भाषा को लिखिए, नहीं तो फिर हमारी जो मूल पहचान है वो धीरे धीरे मिट जाएगी। अब थोड़ा इतिहास की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई तुम लोग बहुत झारखंड झारखंड करता है, भाई लोग बोलता है कि बड़ी झारखंड झारखंड बोलता है, 2000 से पहले झारखंड कहाँ था, बोलता है ना कि 2000 से पहले झारखंड कहाँ था। तो यहाँ से उत्तर यहीं से देते हैं, और आपको भी पूछे तो आप भी उत्तर दीजिएगा कि बिहार कब बना है, किससे बना है, बंगाल से बना है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी, उस समय अंग्रेजों के टाइम क्या थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, उसी से ना बिहार बना है, कब, 1912 में। सीएनटी कानून कब बना है, 1908 में, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, तो यही छोटा नागपुर तो संथाल परगना मिला के झारखंड बना है, तो हम तो 4 साल पहले से हैं, हम तो 4 साल पहले से हैं। अरे यही नहीं, बच्चा लोग जेएसएससी और जेपीएससी का बहुत कोई तैयारी कर रहा है, तो क्या है वो क्वेश्चन है ना कि झारखंड शब्द का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है और कब मिलता है, थोड़ा बताइए झारखंड शब्द का पहला उल्लेख कहाँ और कब मिलता है, थोड़ा बताइए पढ़ा लिखा भाई बहन सब। एक ताम्र पत्र में मिलता है, 13वीं शताब्दी में मिलता है ना, वो 13वीं शताब्दी में एक ताम्र पत्र मिलता है। 13वीं माने क्या, 1201 से लेकर 1300 के बीच को 13वीं शताब्दी कहेंगे, यानी आज से 700 साल पहले बिहार का अता पता नहीं था, बिहार का अता पता नहीं था, 700 साल पहले एक ताम्रलेख में झारखंड शब्द का जिक्र है। झारखंड की सदियों से एक अलग पहचान है, झारखंड की सदियों से एक अलग पहचान है, ये लोग हमेशा दुनिया के लोगों से दूर रहे हैं, ये जंगल में वनों में मांदर की थाप में नाचने गाने अपने खेती के माध्यम से जीने वाले लोग रहे हैं, इनकी सदियों से एक अलग पहचान रही है। और अब तो हम अलग हैं, हम अलग लोग हैं, ये बात तो भूगोल इतिहास भी कहने लगा है। कुछ दिन पहले सिंहभूम से वो दैनिक भास्कर का पहला पेज छपा था, किसी पहाड़ से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का रिसर्चर लोग यहाँ रिसर्च करके गया कि दुनिया की पहली उत्पत्ति अफ्रीका से नहीं, झारखंड का पहाड़ से हुआ है। तो अब तो हमारा पहाड़ भी बता रहा है, सारिंडा है ना, 100 पहाड़ियों से घिरा पहाड़ ना सारंडा, तो तू पहाड़ सब भी बताने लगा है, अब तो पहाड़ सब नदी नाला स्वर्ण रेखा नदी और दामोदर नदी के आचरा भी बताए रहा है कि हम लोग की भिन्न पहचान है, हमारी अलग पहचान है, हमारी अलग पहचान है, इस बात को समझना होगा, हम दुनिया के जैसे नहीं है। अब बोलिएगा कैसे, तो इस पर भी एगो इतिहास की बात करते हैं, एगो किताब है बहुत बड़े विद्वान ने लिखा है, HH Ridley इंग्लैंड के एक बहुत बड़े विद्वान थे, द पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोग, हिंदी में कहेंगे भारत के लोग। उस किताब में उन्होंने बहुत ही लगभग 10 साल या 15 साल उन्होंने रिसर्च किया, पूरा इंडिया घूमा, कश्मीर से कन्याकुमारी से अफगानिस्तान, तब तो पूरा इंडिया के था ना, पूरा इंडिया घूमने के बाद उसने रिपोर्ट बनाई, HH Ridley ने 1865 में कानून बनाया, इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1865 में एक कानून बनाया, इंडियन सक्सेशन एक्ट। उस कानून में जमीन का मामला था, कुछ धार्मिक मामला था, कुछ सामाजिक मामला था, और पूरा इंडिया पे लागू था, इंडियन सक्सेशन एक्ट का कानून पूरा इंडिया में लागू था। लेकिन 20 साल बाद वही रिपिंसान कहता है कि झारखंड को छोड़ दीजिए, छोटा नागपुर को इस कारण मत थोपिए, ये लोग अलग लोग हैं। वही इंसान जो कह रहा था 20 साल पहले कि पूरा इंडिया में एक ही वो कानून होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट, 20 साल बाद कह रहा है कि झारखंड को छोड़ दीजिए, छोटे नागपुर को छोड़ दीजिए, ये लोग अलग टाइप के लोग हैं। तो हम लोग अलग टाइप के लोग हैं, हमारी सदियों से एक अलग पहचान है। अरे जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, जब किसी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तब से हम लोग हैं राढ़ सभ्यता के लोग हैं, हम लोग राढ़ सभ्यता के लोग हैं, हम लोग राढ़ के लोग हैं, यही तो हमारी पहचान है। और इसी पहचान को ये लोग लगातार मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं।
इसलिए आपको अब सजग रहना होगा, तत्पर रहना होगा, क्योंकि आज अगर नहीं लड़ पाते हैं तो आने वाली लड़ाई